हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता लाइव। और मैं हूँ संगीता। अभी मैंने जो आपको मेरा लिविंग रूम का मेकओवर दिखाया, तो ये मैंने कैसे किया, कहाँ से मैंने ये स्टोन्स कलेक्ट किया, कैसे मैंने स्टोन्स को वॉश किया और कलर किया, वो मैं सारे आज आपको मैं मेरे इस वीडियो में पूरा शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मैंने जो स्टोन्स है स्टोन्स कलेक्ट कर रही हूँ। मेरे जो मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ बाहर कुछ काम हो रहा था, जो मेरा ओनर आंटी है उनका घर में, तो वो काफ़ी सारा बालू लेके आए थे। और बालू में ना बड़ा बड़ा स्टोन्स मिलता है, ये स्टोन्स उनका कोई काम में नहीं लगता है, उन लोग छान के स्टोन्स को निकाल देते हैं। तो मैं सोची यहाँ पर जब मिल रहा है तो यहीं से मैंने कलेक्ट कर लेती हूँ। पहले मैं कुछ स्टोन्स को पहले से भी कलेक्ट करके रखा था, वो मैंने जो रोड किनारा होता है ना, वहाँ पे साइड से कहीं कहीं से कलेक्ट करके रखा था। तो वो कुछ स्टोन्स मेरे पास पहले से ही है और कुछ और थोड़ा सा ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ। ये स्टोन्स मतलब दूसरे का कोई काम का नहीं है, ये सब मतलब फेंकने वाला चीज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ कलेक्ट कर रही हूँ। कोई कोई मुझे पूछ रहा है ये तुम क्या करोगी, तो मैं उनको बता रही थी मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का काम करूँगी। मेरा कलेक्ट हो गया है। ये सारे स्टोन्स को मैं हाफ एन आवर के लिए जो सर्फ़ वाला पानी में भिगो के रख दिए थे, तो इसके अंदर जितना डस्ट था वो एकदम डिजॉल्व हो गया है। और बाकी हाफ एन आवर बाद मैंने एक ब्रश लिया है और थोड़ा सा मैंने सोप पाउडर सोप लेके और इसको अच्छा से घिस घिस के पूरा क्लीन कर लूँगी, जिसमें ये जो इसमें जितना सारा डस्ट वगैरह और कुछ भी गंदगी है वो बहुत अच्छा से निकल जाएगा। डस्ट इसमें अगर लगा रहेगा ना, तो मैं इसमें पेंट करूँगी तो पेंट इसमें अच्छा से लगेगा नहीं, इसलिए इसको अच्छा से क्लीन करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर बहुत अच्छे से जो कलर है कलर इसमें नहीं लगेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी और दो तीन बार फ्रेश वाटर से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद ये जो स्टोन्स है स्टोन्स को सारे धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, तभी मैं इसमें कलर करूँगी। सारा स्टोन्स अब मेरा सूख गया है, अब इसमें मैं कलर लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ रेड कलर, रेड मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मैं इसमें रेड कलर लगा रही हूँ। तो सारे स्टोन्स को, ये है एक्रेलिक कलर, मैं एक्रेलिक कलर से ही पेंट करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये कलर ठीक रहता है। ये क्या है, पानी में डिजॉल्व हो जाता है, जल्दी छूट भी जाता है, तो परमानेंट कलर है नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादातर मैं एक्रेलिक कलर ही यूज़ करती हूँ। कलर देखे दो तीन कोट मैं लगाऊंगी, जिसमें कलर जो है एकदम डार्क हो जाएगा। तो सारा जितने स्टोन्स है पूरा स्टोन्स को मैं बहुत अच्छे से ऐसे कलर कर लूँगी। और बहुत सारे कलर, जितने कलर मेरे पास है पूरा एक बॉक्स मैंने लिया था, तो मल्टी कलर में मैं इस सारे स्टोन्स को कलर कर दूँगी। मुझे मल्टी कलर अच्छा लगता है और ये ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब जो डार्क कलर और जो होता है ना, मतलब बहुत डार्क वाला कलर जो होता है, वो सारे कलर मैं यूज़ करूँगी। तो क्या है, ब्राइट लगेगा, जितना भड़कीले कलर होता है ना, वो सारे मैं यूज़ करूँगी। इस तरह से सारे स्टोन्स को मैं कलर कर लेती हूँ। ये देखिए, सारे कलर कितना अच्छा लग रहा है। इसको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया ओवरनाइट और कितना खूबसूरत लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं।
अब मैं डेकोरेशन के लिए आ गई हूँ, यहीं पे मैं डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे एक जो मेरा लिविंग रूम है, लिविंग रूम के पास एक छोटा सा मेरा टेबल है जिसके ऊपर मैंने आर्टिफिशियल एक फ्लावर प्लांट बना के पॉट के अंदर रखे हैं। ये फ्लावर मैं आपको दिखाई हूँ पहले क्लिप में, यहीं पे मैं स्टोन्स देके कलर करूँ सॉरी स्टोन्स देके यहीं पे थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही था तो मैं सोची ना यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स रखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, इसलिए मैंने इसको कलर किया है। सारे स्टोन्स को इस तरह से मैं नीचे रख दूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मैंने रख दिया सारा स्टोन्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, पहले से तो काफ़ी बेटर लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली था, एक छोटू सा गणपति बप्पा मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए कलरफुल लग रहा है एकदम। आई होप गाइज मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।